दोस्तों डिस्की बिल फोर नाम की एक मूवी हमें जिसका बेसब्री से इंतज़ार था और उसके तकरीबन तीन पार्ट आ चुके थे और चौथा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है दोस्तों पहले रिलीजिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ चार जुलाई 2024 को इसे रिलीज़ किया जाना है और साथ ही साथ इसे एक तरह से मल्टीपल लैंग्वेज में एक तरह से बनाया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्स पिक्चर्स ने संभाला है तो आपको ये यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलने वाली है तो इसके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी आके देता हूँ डेस्पिकेबल मी दो दो हज़ार तेरह की अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जो इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है डेस्पिकेबल मी दो हज़ार दस की अगली कड़ी इसे क्रिस रेनॉर्ड और पियरे कॉफिन द्वारा निर्देशित किया गया था क्रिस मिलेडेंड्री और जेनेट हीली द्वारा निर्मित किया गया था और पॉल और केन डोरियो की लेखन टीम द्वारा लिखा गया था इसमें स्टीव कैरेल क्रिस्टन वाइग बेंजामिन ब्रैट मिरांडा कॉसग्रोव रसे ब्रांड और केन जियोंग की आवाजें हैं फिल्म ग्रु का अनुसरण ती है क्योंकि उसे गुप एजेंट लुसी वाइड द्वारा भर्ती किया जाता है जो आर्कटिक सर्कल से चुराए गए उत्परिवर्तजन पीएक्स इकतालीस की चोरी की जांच कर रहा है अपनी जांच के दौरान वे एक पर्यवेक्षक एल माचो को पकड़ लेते हैं जिसका लक्ष्य अपनी मौत का नाटक करके विश्व प्रभुत्व हासिल करना था डेस्पिकेबल मी दो की शुरुआत 5 जून 2013 को ऑस्ट्रेलिया में हुई और इसे 3 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने इसके हास्य और एनिमेशन की प्रशंसा की इसने दुनिया भर में नौ मिलियन डॉलर की कमाई की जो २०१३ की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और यूनिवर्सल पिक्चर्स के 101 साल के इतिहास में सबसे अधिक लाभदायक फ़िल्म बन गई इसे छियासीवें अकादमी पुरस्कारों में दो पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए एक सीक्वल डेस्पिकेबल मी तीन दो में रिलीज किया गया था कथानक एक रहस्यमय विमान आर्कटिक सर्कल में एक गुप्त प्रयोगशाला से पीएक्स इकतालीस नामक अत्यधिक शक्तिशाली उत्परिवर्तन चुरा लेता है एंटी विलन लीग एवीएल के निदेशक सिलास रैम्स बॉटम पूर्व पर्यवेक्षक ग्रु की भर्ती के लिए एजेंट लुसी वाइड को भेजते हैं ग्रु को जबरन एवीएल मुख्यालय में लाया जाता है और रैम्स बॉटम द्वारा अपराधी का पता लगाने और उत्परिवर्तजन को बरामद करने में मदद करने के लिए कहा जाता है हालांकि ग्रु ने यह दावा करते हुए इनकार कर दिया कि वह अब एक वैध पिता और जेली उत्पादन व्यवसाय का मालिक है बाद में ग्रु के मित्र और सहायक डॉक्टर नेफारियो ने एक अधिक खतरनाक नौकरी की पेशकश स्वीकार करने के लिए नौकरी छोड़ दी इससे आखिरकार अनिच्छुक ग्रु को एवीएल के साथ काम करने का निर्णय लेना पड़ा वह और लुसी पैराडाइज शॉपिंग मॉल में तैनात हैं जिसके सामने एक कपकेक स्टोर है ग्रु को तुरंत संदेह हुआ कि मैक्सिकन रेस्तराँ के मालिक एडवार्डो पेरेज एल माचो हो सकते हैं एक पर्यवेक्षक जो कथित तौर पर 250 पाउंड टीएनटी टी अपने सीने पर बांधकर एक सक्रिय ज्वालामुखी में शार्क की सवारी करके मर गया था ग्रु और लुसी रात में एडवार्डो के रेस्तराँ में घुस गए लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला इस बीच ग्रु की तीन गोद ली हुई बेटियां मार्गो एडिथ और एग्नेस जो एक दिन मां बनने का सपना देखती हैं का मानना है कि गुरु को लुसी से प्यार हो जाएगा ग्रू ने इससे इनकार करते हुए कहा कि लुसी के साथ उस का रिश्ता केवल पेशेवर है एडुआर्डो को अपने मुख्य संदिग्ध के रूप में पकड़ने के बावजूद ग्रू विद व्यापारी फ्लॉयड ईगलसन की दुकान सहित अन्य सुरागों का पीछा करने के लिए सहमत हो गया जहां लुसी को पीएक्स इकतालीस के निशान मिले एडुआर्डो के बेटे एंटोनियो को मार्गो को लुभाने और सभी को अपनी सिंकोडी मेयो पार्टी में आमंत्रित करने के बाद ग्रु ने एडुआर्डो पर अपना ध्यान केंद्रित किया लूसी द्वारा ग्रू को एक गलत ब्लाइंड डेट से बचने में मदद करने के बाद वह और बंधन में बंधने लगते हैं अगले दिन एवीएल ने फ्लॉयड को उसकी दुकान में म्यूटाज एन का लगभग खाली जार मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया सिलास ने जांच बंद कर दी और लुसी को ऑस्ट्रेलिया में फिर से नियुक्त कर दिया जिससे ग्रु का दिल टूट गया सिंकोडे मेयो पार्टी में ग्रु एडवार्डो का अनुसरण करता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में ए माचो है अपनी मौत का नाटक करने के बाद ए माचो ने डॉ नेफारियो को काम पर रखा है और ग्रु के अधिकांश मिनियंस का अपहरण कर लिया है चुराए गए पीएक्स इकतालीस उत्परिवर्तन का उपयोग करके उन्हें अविनाशी और क्रूर बैंगनी जानवरों की सेना में बदल दिया है एल माचो ने दुनिया पर हावी होने के लिए प्रमुख शहरों में दुष्ट मिनियंस से भरे रॉकेट लॉन्च करने की योजना बनाई है वह ग्रु को अपने साथ मिलकर काम करने का मौका देता है लेकिन ग्रु लड़कियों के साथ चला जाता है संदिग्ध एल माचो उनके पीछे एक दुष्ट मिनियन केविन को भेजता है लुसी ने आदेशों की अवज्ञा करने और ग्रु के घर लौटने का फैसला किया ग्रु के जाने के ठीक बाद पार्टी में पहुंची यह महसूस करते हुए कि लुसी और ग्रु एवीएल के लिए काम कर रहे हैं एल माचो ने उसका अपहरण कर लिया डॉ नेफारियो इसे देखते हैं और ग्रु को स्थिति से अवगत कराते हैं ग्रु अपने दो भेष बदले हुए मिनियन के साथ ए माचो के किले में घुसपैठ करता है लेकिन दुष्ट मिनियन भेष बदलकर उन पर हमला कर देते हैं इस बीच केविन ग्रु के घर में घुस जाता है और मार्गो और एग्नेस पर हमला करता है वे उसे फुसलाकर ग्रु की प्रयोगशाला में ले जाते हैं जहां डॉक्टर निफारियो मारक औषधि लेकर पहुंचते हैं और केविन को फिर से सामान्य कर देते हैं नेफारियो ग्रु के जेली भंडार में मारक औषधि डालता है और वह और लड़कियां ग्रु की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं ग्रुप डॉक्टर नेफारियो लड़कियां और बचे हुए मिनियन अन्य सभी दुष्ट मिनियन को उनकी सामान्य स्थिति में लाने के लिए जेली गन का उपयोग करते हैं एल माचो लुसी को मारने की धमकी देता है और खुद राक्षस बनने के लिए पीएक्स इकतालीस का उपयोग करता है लेकिन ग्रु और डॉक्टर नेफारियो से हार जाता है ग्रु ने एल माचो के टीएनटी लोडेड शार्क रॉकेट से लुसी को बचाना शुरू कर दिया लेकिन एल माचो के पालतू चिकन पोलिटो ने इसे लॉन्च किया और उन्हें ज्वालामुखी की ओर भेज दिया लुसी ग्रु के डेट के निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है और ज्वालामुखी में रॉकेट के फटने से पहले वे समुद्र में कूद जाते हैं एक तारीखों के बाद ग्रु और लुसी की शादी हो जाती है जिससे मार्गो एडिथ और एग्नेस को मां मिलती है जैसे ही हर कोई एक साथ तस्वीर लेने की तैयारी करता है एक दुष्ट मिनियन प्रकट होता है कास्ट डेस्पिकेबल मी दो के ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर में मिरांडा कॉसग्रोव और स्टीव कैरेल ग्रु के रूप में स्टीव कैरेल एक पूर्व पर्यवेक्षक जो पिता बना और बाद में एंटी विलन लीग का सदस्य चार लुसी वाइल्ड के रूप में क्रिस्टन वाइग एक एंटी विलन लीग एजेंट और ग्रु की प्रेमिका और बाद में पत्नी पांच छह एडुआर्डो पेरेस बटा एल माचो के रूप में बेंजामिन ब्रैट पैराडाइज मॉल में एक मैक्सिकन रेस्तरां सालसा और सालसा के मालिक और पीएक्स इकतालीस सीरम की चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड सात आठ नौ मूल रूप से अल्पचिनों को इस भूमिका के लिए चुना गया था और उन्होंने अपनी सभी लाइनें रिकॉर्ड की थीं लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी दस मार्गो के रूप में मिरांडा कॉसग्रोव तीन लड़कियों में सबसे बड़ी चार डॉक्टर नेफारियो के रूप में रसेल ब्रांड ग्रु के बुजुर्ग श्रवण बाधित गैजेट गैजेटमैन चार एंटी विलन लीग के निदेशक सिलास राम्स बॉटम के रूप में स्टीव कुगन। चार ग्यारह फ्लॉयड ईगलसन के रूप में केन्जियोंग पैराडाइज मॉल में एक विग स्टोर ईगल हेयर क्लब के मालिक सात बारह इसके अतिरिक्त एलसी फिशर ने तीन लड़कियों में सबसे छोटी एग्नेस को आवाज दी है चार तेरह डानागेयर ने तीन लड़कियों में से बीच वाली एडित को आवाज दी है चार तेरह मोइसेस एरियस ने मार्गो और एडवार्डो की पहली प्रेमिका एंटोनियो पेरेस को आवाज दी है बेटा चौदह पंद्रह नसीम पेड़राड ने जिलियन की आवाज दी है जो ग्रु की चिड़चिड़ी जोड़ी बनाने वाली पड़ोसी है जो चाहती है कि ग्रु उसके दोस्तों के साथ डेट पर जाएं सोलह सत्रह क्रिस्टन शाल ने जिलियन की सती दोस्त शैनन की आवाज़ दी है सत्रह और पीरे कॉफिन ने मिनियंस की आवाज दी है सत्रह कॉफिन के अनुसार उन्होंने आठ मिनियंस को अपनी आवाज़ दी अठारह अन्य कलाकारों में अतिरिक्त मिनियंस सत्रह और एक इतालवी वेटर के रूप में क्रिस रेनॉर्ड फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में वेनेसा बायर सत्रह और आर्कटिक लैब गार्ड के रूप में निकोलाई स्टोइलोव शामिल हैं सत्रह उत्पादन विकास डेस्पिकेबल मी दो का विकास डेस्पिकेबल मी 2010 की अप्रत्याशित वित्तीय सफलता के बाद शुरू हुआ 19 जून 2011 में यूनिवर्सल ने घोषणा की कि सीक्वल 3 जुलाई 2013 को रिलीज किया जाएगा 20 इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के सीईओ क्रिस मेलेडेंड्री ने फरवरी 2012 में पुष्टि की कि उन्होंने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है 21 कास्टिंग अक्टूबर 2011 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि जेवियर बारडेम एल माचो नामक खलनायक की आवाज़ देने के लिए बातचीत कर रहे थे 22 लेकिन बातचीत विफल रही 23 फरवरी 2012 तक अल्पचिनो खलनायक की आवाज़ देने के लिए कलाकारों में शामिल हो गए थे 24 अप्रैल 2012 में निर्माताओं ने पुष्टि की कि स्टीव कैरेल रसेल ब्रांड मिरांडा कॉसग्रोव दाना गेयर और एलसी फिशर अपनी भूमिकाओं को दोबारा करने के लिए लौट रहे थे क्रिस्टन वाइल्ड जिन्होंने पहली फिल्म में मिस हैटी की आवाज़ दी थी ने एंटी विलन लीग के एक एजेंट ल उसी वाइल्ड की आवाज़ दी है जो एल माचो नामक एक कठिन मैक्सिकन खलनायक को ट्रैक करने और मारने के लिए ग्रू को भर्ती करती है स्टीव कूगन एंटी विलन लीग के प्रमुख सिलास बॉटम के रूप में कलाकारों में शामिल हुए चार मई 2013 में निर्माताओं ने घोषणा की कि अल्पचिनों ने रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी है कि उनके चरित्र को कैसे जीवंत किया जाना चाहिए दस पच्चीस उनके प्रस्थान के समय पचिनों के चरित्र को पहले से ही पूरी तरह से आवाज दी गई और एनिमेटेड किया गया था छब्बीस फिल्म के सह निर्देशक क्रिस रेनॉर्ड ने पचिनों के जाने पर टिप्पणी की इसलिए हम एक नाखुश अभिनेता नहीं चाहते हैं और हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हर तरफ से अच्छी तरह से महसूस किया जाए यदि आप एक दूसरे से आंख मिलाकर नहीं देखते हैं कभी कभी कंपनी को अलग कर ना और वहां से आगे बढ़ना आसान होता है पच्चीस बेंजामिन ब्रैट जिनके बारे में पचिनों से पहले ही विचार किया जा चुका था पच्चीस ने एडवार्डो की आवाज़ देने के लिए कदम उठाया आठ फिल्म के निर्माता क्रिस मेलेडैंड्री ने स्वीकार किया कि उन्हें पिछले पंद्रह वर्षों की किसी भी प्रमुख एनिमेटेड फिल्म के बारे में पता नहीं था जिसमें किसी अभिनेता को इतनी देर से लाया गया हो छब्बीस तैयार एनिमेशन के कारण ब्रैट को अपनी टाइमिंग को पात्र के मुंह की गति के साथ बिल्कुल मेल खाना पड़ा सत्ताईस शुरुआत में अपनी पांच दिवसीय रिकॉर्ड दिन के दौरान छब्बीस उन्होंने पचिनों की आवाज़ की नकल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें यह असंभव लगा उन्होंने कहा कोई भी अल्पचिनो अल्पचिनो को मात नहीं दे सकता अतः उन्होंने पचिनों को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया और चरित्र की अपनी व्याख्या के साथ चलने का संकल्प लिया अट्ठाईस वेराइटी ने उनके काम की सराहना करते हुए कहा आप कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वह फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद नहीं थे एनिमेशन को पेरिस फ़्रांस में इल्यूमिनेशन मैक गफ द्वारा ऑटोडेस्क माया का उपयोग करके विकसित किया गया था 400 से 650 से अधिक कलाकारों ने सीक्वल पर काम किया जबकि पहली फिल्म के लिए 100 कलाकारों की टीम की आवश्यकता थी एनिमेशन टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दृश्य प्रभाव जैसे पानी और जेली बनाना था जिसके कारण स्टूडियो के कुछ ड्राइव दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उन्हें बदल दिया गया उन्तीस संगीत मुख्य लेख डेस्पिकेबल मी दो साउंड ट्रैक पूर्ववर्ती संगीत की सफलता के बाद संगीतकार हेटर परेरा और फेरिल विलियम्स ने डेस्पिकेबल मी दो के संगीत के लिए फिर से सहयोग किया तीस सत्रह फिल्म का साउंड ट्रैक जिसका नाम डेस्पिकेबल मी दो ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक है 2 जुलाई 2013 को तेरह को बैकलॉट म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया था इकतीस एल्बम में आठ गाने और सोलह स्कोर ट्रैक थे जो एल्बम में चौबीस ट्रैकों को मिलाकर थे बत्तीस गाने में तीन मूल और पांच शामिल ट्रैक शामिल थे और दो गाने पहले से ही इसके पूर्ववर्ती में दिखाए गए थे सत्रह विलियम्स का मूल गीत हैप्पी एल्बम का एकमात्र एकल था जो फिल्म की रिलीज के पांच महीने बाद 21 नवंबर 2013 को जारी किया गया था रिलीज पर इसके साथ 24 घंटे का संगीत वीडियो भी था जो किसी भी फिल्म के लिए पहला था 33 जिसे वायरल प्रतिक्रिया मिली जिसने गाने की वैश्विक सफलता में योगदान दिया चौंतीस यह 19 से अधिक देशों में चार्ट में शीर्ष पर रहा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाला गीत बन गया 2014 में 1.5 और पैंतालीस मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी पैंतीस छत्तीस और इसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकित किया गया छियासीवें अकादमी पुरस्कार सैतीस साउंड ट्रैक ने इसके अलावा यूएस बिलबोर्ड 200 में छियासीवें नंबर पर शुरुआत की अड़तीस जबकि इंडिपेंडेंट एल्बम नंबर 19 और टॉप साउंड ट्रैक टॉप थ्री चार्ट पर भी प्रदर्शित हुआ अड़तीस यह आधिकारिक चार्ट कंपनी के संकलन चार्ट नंबर अड़तालीस और साउंड ट्रैक चार्ट नंबर आठ में भी सूचीबद्ध है उनतालीस एकल जस्ट एक क्लाउड अवे फिल्म और साउंड ट्रैक रिलीज के आठ साल बाद 25 मार्च 2022 को रिलीज हुआ 40 मार्केटिंग और रिलीज मार्च 2013 में मिनियन के रूप में दिखने के लिए तैयार एक ब्लिम्प जिसका नाम डेस्पिके ब्लिम्प था जिसमें यूनिवर्सल और वैन वैगन कम्युनिकेशंस के पास अमेरिकन ब्लिम्प कॉरपोरेशन ए एक मॉडल है ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बीस हजार मील लंबी बत्तीस हजार किलोमीटर की यात्रा की फिल्म की रिलीज को बढ़ावा देने के लिए दौरा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ों में से एक के रूप में इसकी लंबाई एक फीट 50 मीटर ऊंचाई 55 फीट 17 मीटर थी 41 और इसका वजन 8,000 पाउंड आठ टन था। बयालीस यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अगले तीन वर्षों में अभूतपूर्व 200 डॉलर 250 मिलियन डॉलर मूल्य के लाइसेंसिंग और प्रचार भागीदारों के साथ फिल्म में साझेदारी की तैंतालीस भागीदारों में से एक मैकडॉनल्ड्स था जिसने अपने हैप्पी मील्स में विभिन्न मिनियन खिलौने शामिल किए उनमें से कुछ एक विशिष्ट देश के लिए अद्वितीय थे केले प्रेमी मिनियंस का लाभ उठाने के लिए चिकविटा ने विभिन्न स्वीपर चलाए, चवालीस और पियरे कॉफिन द्वारा आवाज दी गई एक मिनियन ने फिल्म में चिकविटा बनाना गीत प्रस्तुत किया सत्रह थिंकवे टॉयज ने विभिन्न खिलौने और आकृतियां जारी किं पैतालीस और हैंस ने विशेष गेम बनाए चवालीस इस अभियान में 600 खिलौना ब्रांड शामिल थे छियालीस एक प्रमोशन टाई इन के रूप में दिस्पिकेबल मी मिनियन रश जारी किया गया था सैतालीस डेस्पिकेबल मी दो की शुरुआत 5 जून 2013 को बॉन्डी जंक्शन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इवेंट सिनेमा में हुई 48 जिसके बाद 12 जून को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ उनचास संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का प्रीमियर 22 जून को लॉस एंजल्स के यूनिवर्सल सिटी वॉक में हुआ पचास इक्यावन और 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई बीस इसे डिजिटल रूप से फिर से तैयार किया गया आईमैक्स तीन डी प्रारूप में और चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय आईमैक्स थिएटरों में रिलीज़ किया गया बावन पहली फ़िल्म की तरह जो चीन में सिनेमाघरों में रिलीज़ नहीं हुई थी फ़िल्म के वितरक यूनिवर्सल पिक्चर्स को सीक्वल रिलीज करने में परेशानी हुई तिरपन जब जुलाई 2013 में यह बताया गया कि फ़िल्म को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फ़िल्म बाज़ार चीन में नाटकीय रिलीज से वंचित कर दिया गया था तो कुछ विश्लेषकों ने इसे स्थानीय रूप से निर्मित एनिमेशन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया चौवन पचपन ऐसी अफवाहें भी थीं कि चीन में फ़िल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि फ़िल्म के कलाकार पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमी न से काफी मिलते जुलते थे छप्पन चीन का फिल्म ब्यूरो नकारात्मक टिप्पणियों को लेकर क्रोधित था जिसमें कहा गया था कि फिल्म को सेंसरशिप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था सत्तावन वास्तव में यूनिवर्सल और फिल्म के स्थानीय वितरक एड को फिल्म के बीच कथित तौर पर एक व्यावसायिक संघर्ष था जिसके शीर्षकों को आयात किया जाना था अट्ठावन एडको ने फैसला किया था कि फिल्म चीन में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी और उसने फिल्म के लिए कीमती कोटा स्लॉट में से एक का उपयोग न करने का फैसला किया उन्नीस दिसंबर 2013 में क्यू यूनिवर्सल निवर्सल पिक्चर्स की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद की वह बीजिंग कार्यालय खोलेगा यह बताया गया कि डेस्पिकेबल मी दो को 10 जनवरी 2014 को चीन में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा छप्पन यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट ने 26 नवंबर 2013 को डिजिटल डाउनलोड के लिए डेस्पिकेबल मी दो और 10 दिसंबर को रे और डीवीडी पर रिलीज़ किया भौतिक प्रतियों में एक ऑडियो कमेंट्री होती है पर्दे के पीछे की विशेषताएं ग्रु और दुष्ट मिनियंस के लक्षण वर्णन हटाए गए दृश्य ग्रु के उपकरण का अवलोकन लघु फिल्में पपी पैनिक इन द मिलरूम और ट्रेनिंग व्हील्स और इल्यूमिनेशन स्टूडियो पेरिस का दौरा पाँच नौ दो शून्य एक सात में एक चार के अल्ट्रा एच डी ब्लूरे संस्करण जारी किया गया था साठ स्वागत क्रिस रेनॉर्ड जन्म दिसंबर उन्नीस सौ छियासठ एक अमेरिकी डिज़ाइनर स्टोरीबोर्ड कलाकार निर्देशक निर्माता और आवाज़ अभिनेता हैं उन्हें 2006 की एनिमेटेड शॉर्ट नो टाइम फॉर नट्स के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था जिसमें कंप्यूटर एनिमेटेड आइस एज फिल्मों के चरित्र स्क्रैट को दिखाया गया था उनका सबसे लोकप्रिय काम डेस्पिकेबल मी फ्रेंचाइज है जिसमें डेस्पिकेबल मी और डेस्पिकेबल मी दो शामिल हैं जिसका उन्होंने पियरे कॉफिन के साथ सह निर्देशन किया था कॉफिन के साथ उन्होंने डेस्पिकेबल मी के मिनियंस का सह निर्माण भी किया और अपनी आवाज भी दी जीवन और कैरियर क्रिस रेनॉर्ड का जन्म 1966 में बाल्टीमोर में हुआ था 15 साल की उम्र में जब उनके पिता जो बेथलेहम स्टील के लिए काम करते थे को उनके कॉरपोरेट मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया तो वह बेथले हम पेंसिल्वेनिया चले गए दो रेनॉर्ड ने कहा है कि इस कदम से उनकी मिश्रित भावनाएं थीं उन्होंने कहा कि इससे उन्हें निराशा हुई लेकिन यह उनके जीवन की सबसे अच्छी चीजों में से एक थी क्योंकि इससे उन्हें पता चला कि वहां एक महान बड़ी दुनिया थी वह हाई स्कूल वार्षिक पुस्तकों और समाचार पत्रों के कलाकार थे और उनकी यहा पुस्तकें बनाने की आकांक्षा थी दो उन्होंने उन्नीस में एलेंटाउन पेंसिल्वेनिया में पार्कलैंड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एलेंटाउन में बॉम्ब स्कूल ऑफ आर्ट में भाग लिया जहां उन्हें एक हजार डॉलर की छात्रवृत्ति मिली उन्नीस सौ नवासी में सिराक्यूज विश्वविद्यालय से चित्रण की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद चार रेनॉर्ड ने खेल मनोरंजन उद्योग में एक ग्राफिक डिजाइनर पांच के रूप में काम करना शुरू किया उन्होंने एनएफएल प्रॉपर्टीज एनबीए और फुट लॉकर के लिए लोगो और शुभंकर बनाए हैं विभिन्न प्रकाशनों और एजेंसियों के लिए एक डिज़ाइनर और चित्रकार के रूप में काम करने के बाद क्रिस ने कॉमिक किताबें बनाना और लिखना शुरू किया मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स दोनों के लिए काम करते हुए उनकी परियोजनाओं में मार्वल की स्टारअफ्लीट अकादमी को चित्रित करना और कहानी की अवधारणा को प्रस्तुत करना शामिल था जो बैटमैन कैटाक्लिस्म छे में विकसित हुई जिसमें गोथम शहर में आए विनाशकारी भूकंप को दर्शाया गया था बैटमैन से संबंधित सभी कॉमिक्स में इस साल भर चलने वाली कहानी के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध चरित्र की बिक्री और दृश्यता में वृद्धि हुई और इसके बाद प्रशंसित नोमैन्स लैंड कहानी की स्थापना हुई डिज्नी चैनल के द बुक ऑफ पूह में प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में रेनॉर्ड ने बच्चों के टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा उस अभूतपूर्व परियोजना के बाद से वह बियर इन द बिग ब्लू हाउस लेजी टाउन क्यूरियस पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए आभासी सेट और कठपुतली पात्रों को डिजाइन करने में सक्षम हो गए हैं इट्स ए बिग बिग वर्ल्ड के साथ जो 2006 से 2010 तक पीबीएस पर प्रसारित हुआ उन्होंने एमी नामांकित बच्चों के कार्यक्रम के हर पहलू के दृश्य विकास और डिजाइन का नेतृत्व किया प्रशस्ति पत्र आवश्यक रेनॉर्ड ने ब्लू स्काई स्टूडियोज के लिए रोबोट्स आइस एज द मेल्टडाउन और डॉक्टर सीस रूपांतरण हॉर्टन हेयर्स एहू फिल्मों में एक कहानी कलाकार के रूप में काम किया उन्होंने एनिमेटेड शॉर्ट नो टाइम फॉर नट्स को लिखा और सह निर्देशित किया जिसे एनी पुरस्कार और एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए 2007 का ऑस्कर नामांकन मिला साथ इसे 2006 में एनिमेशन शो ऑफ शोज में भी शामिल किया गया था रेनॉर्ड इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के लिए काम करने के लिए पेरिस चले गए आठ डेस्पिकेबल मी दो का निर्देशन करते समय रेनॉर्ड ने अपने निर्देशन साथी पियरे कॉफिन के साथ गुरु के प्रसिद्ध गुर्गे मिनियंस को विकसित करना शुरू किया प्रारंभ में प्राणियों को रोबोट बनाने की चर्चा हुई नौ तब रेनॉर्ड ने इस धारणा पर प्रहार किया कि वे छछुंदर लोग हो सकते हैं और उन पर चश्मा लगा दिया मैंने कुछ तत्वों को मिलाकर एक बहुत ही कच्चा बदसूरत छोटा स्केच बनाया और इसे पेरे को भेजा जिन्होंने इसके बाद एरिक गुइलन के साथ चर, चाकी जो मिनियंस के कला निर्देशक और अंतिम डिजाइनर थे और उन्होंने उनमें से कुछ को ले लिया विचार और साथ मिलकर हम यह लेकर आए कि मिनियंस कैसे दिखते हैं जितना अधिक फिल्म निर्माताओं ने छोटे लोगों पर काम किया वे उतने ही अधिक पीले और अधिक बेलनाकार होते गए एरिक ने इस विचार को परिष्कृत करना जारी रखा और मिनियंस को बच्चों के करीब बनाया उन्होंने उन्हें मजेदार और सरल और एक उज्जवल रंग बनाया मिनियंस की प्रेरणाओं में विली वोंका के ओम्पालूम पास और स्टार वार्स के जवास साथ ही मूक स्क्रीन स्टार बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन और वार्नर ब्रदर्स कार्टून चरित्र शामिल थे दस चार चित्र निर्देशन सौदे में ग्यारह उन्होंने डेस्पिकेबल मी 2010 हजार दस दो सीस की द लोरैक्स दो हज़ार बारह डेस्पिकेबल मी दो दो हज़ार तेरह बारह और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स दो हज़ार सोलह का निर्देशन किया दो पालतू कुत्तों मैक्स और ड्यूक को अपने झगड़े पीछे छोड़ने पड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक खरगोश स्नोबॉल सभी पालतू जानवरों के मालिकों और उनके पालतू जानवरों से बदला लेने के लिए परित्यक्त पालतू जानवरों की एक सेना बना रहा है टेरा रेनॉर्ड ने 2013 में इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के साथ एक नया अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जिसमें कहा गया मुझे इल्यूमिनेशन के साथ काम करना पसंद है उन्होंने मुझे एक केब आद एक फिल्मों का निर्देशन जारी रखने का एक अद्वितीय अवसर दिया है बहुत बार एनिमेशन निर्देशक एक फिल्म बनाते हैं और फिर खर्च करते हैं अगले पांच वर्षों में एक और विकास हो रहा है लेकिन मैं काम जारी रखने और फिल्में बनाने में सक्षम होने की अनूठी स्थिति में हूं इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं आठ 2012 के एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में डॉक्टर सीस की किताबें पढ़ी जिसने द लोरेक्स जैसी फिल्मों में उनके काम को प्रभावित किया चौदह जब उनसे पूछा गया कि क्या वह लाइव एक्शन फिल्मों की ओर रुख करेंगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा है और भविष्य में ऐसा हो सकता है लेकिन फिलहाल वह एनिमेशन के साथ सहज महसूस करते हैं छ 2017 में रेनॉर्ड के कार्यकारी निर्मित डेस्पिकेबल मी तीन व्यक्तिगत जीवन नोर दो शून्य शून्य आठ दो शून्य शून्य नौ से अपनी पत्नी लॉरेन और अपने दो बच्चों जॉन और कीली के साथ पेरिस फ्रांस में रह रहे हैं दो आठ फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2005 रोबोटों स्टोरी बोर्ड कलाकार 2006 हजार छह हिमयुग मंदी दो हजार आठ हॉर्टन हियर्स एहू 2009 हिमयुग डायनासोर की सुबह 2010 हजार दस डेस्पिकेबल मीडेव द मिनियन निदेशक 2012 हजार बारह डॉक्टर सीस द लोरेक्स वन पशु 2013 हजार तेरह घृणित दो अतिरिक्त मिनियंस इविल मिनियंस इतालवी वेटर निदेशक 12 अतिरिक्त चरित्र डिजाइन 2015 हजार पंद्रह मिनियंस कार्यकारी निर्माता पंद्रह 2016 पालतू जानवरों का गुप्त जीवन नॉर्मन निदेशक 1316 सोलह गांव अतिरिक्त आवाज़ें 2017 मुझे नीच तीन कार्यकारी निर्माता अतिरिक्त चरित्र डिजाइन 2018 हजार अठारह कार्यकारी निर्माता 2019 पालतू जानवरों का गुप्त जीवन दो नॉर्मन निदेशक अतिरिक्त आवाज़ें 2021 गांव दो अतिरिक्त आवाजें सत्र है दो हजार बाईस मिनियंस द राइज ऑफ ग्रु निर्माता दो हजार चौबीस मुझे नीच चार निदेशक टेलीविजन वर्ष शीर्षक टिप्पणिया दो हजार एक शून्य चार की किताब डिजिटल सेट कला निर्देशक प्रोडक्शन डिजाइनर 2002 हजार शून्य छह बिग ब्लू हाउस में भालू ग्राफिक डिज़ाइनर 2006 यह एक बड़ी बड़ी दुनिया है कैरेक्टर डिजाइनर प्रोडक्शन डिजाइनर बेंजामिन ब्रैट जन्म 16 दिसंबर उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता हैं जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन में काम किया है उन्हें ब्लड इन ब्लड आउट में पाको एगुइलर की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है उन्होंने 1990 के दशक में डिमोलिशन मैन उन्नीस सौ तिरानवे एंड प्रेजेंट डेंजर उन्नीस सौ चौरानवे और द रिवर वाइल्ड उन्नीस सौ चौरानवे में सहायक फिल्म भूमिकाएं भी निभाई हैं उन्नीस से उन्नीस तक उन्होंने एनबीसी ड्रामा सीरीज लॉ एंड ऑर्डर में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट एनवाईपीडी जासूस रे कर्टिस के रूप में अभिनय किया 2000 के दशक में ब्रैट मिस दो 2000 ट्रैफिक 2000 हजार पिनेरो दो हजार एक कैटवूमन दो हजार चार और ट्रूकॉलर दो हजार आठ डेस्पिकेबल मी दो हजार तेरह स्निच दो हजार तेरह कोको दो हजार सत्रह में दिखाई दिए अन्य फिल्मों के बीच टेलीविजन पर ब्रैट ने एबीसी के प्राइवेट प्रैक्टिस दो शून्य एक एक दो शून्य एक तीन में डॉक्टर जेक रीली चौबीस लिव अंदर डे दो हजार चौदह में स्टीव नवारो और स्टार दो शून्य एक छः दो शून्य एक आठ में जाहिल रिवेरा की भूमिका निभाई है उन्होंने एनिमेटेड फीचर फिल्मों में आवाज़ अभिनय भी किया है ब्रैट ने फिल्म डोलोरेस दो का निर्माण किया जो एक अमेरिकी श्रमिक नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डोलोरेस यूटा के जीवन की पड़ताल करती है फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले ब्रैट को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला है और दो अन्य के लिए नामांकित किया गया है उन्हें चार अल्मा पुरस्कार एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन और एक ब्लॉकबस्टर मनोरंजन पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह अमेरिकी भारतीय आंदोलन के एक कार्यकर्ता हैं प्रारंभिक जीवन ब्रैट का जन्म 16 दिसंबर उन्नीस को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था वह एक नर्स और राजनीतिक कार्यकर्ता एलडी नीबांडा और एक शीट मेटल वर्कर पीटर ब्रैट सीनियर के पांच बच्चों में से तीसरे थे एक उनकी मां का जन्म पेरू के लीमा में हुआ था और वह क्वेशुआ वंश की हैं वह चौदह साल की उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई दो उनके पिता अमेरिकी हैं और उनके दादा जॉर्ज एक ब्रॉडवे अभिनेता थे तीन मूल अमेरिकी अधिकारों के लिए एक कार्यकर्ता उनकी माँ ब्रैट उम्र छे और अपने अन्य बच्चों को उन्नीस में अलकाट्रास के मूल अमेरिकी कब्जे में भाग लेने के लिए ले गईं। सैन फ्रांसिस्को के युवाओं के नेतृत्व में इसने मूल अमेरिकियों के सामने आने, आने वाले मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाई और देशभर से प्रतिभागियों को आकर्षित किया चार ब्रैट ने सैन फ्रांसिस्को में लोवेल हाई स्कूल में पढ़ाई की जहां वह लोवेल फोरेंसिक सोसाइटी के सदस्य थे ब्रैट ने उन्नीस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा से भी एफ अर्जित किया जहां वह ची अल्फा बिरादरी में शामिल हो गए पांच सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में एमएफए कार्यक्रम में दाखिला लिया उन्नीस की टेलीविजन फिल्म जुआरेज़ में अभिनय करने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त करने से पहले ही छोड़ दिया चार कैरियर प्रारंभिक कार्य उन्होंने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत यूटा शेक्सपियरियन फेस्टिवल में की जहां उन्होंने टेलीविजन फिल्म जुआरेस उन्नीस में अभिनय किया इसे बहुत आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उन्हें टेलीविजन फिल्म पुलिस स्टोरी ग्लेडिएटर स्कूल उन्नीस में सहायक भूमिका मिली इसके अलावा उन्होंने लवर्स पार्टनर्स एंड स्पाइस 1988 में एस्टेबन के रूप में अपनी पहली फिल्म भूमिका निभाई जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया ब्रैट ने नाइट वॉच और नेस्टी बॉयज श्रृंखला में भूमिकाओं के साथ टेलीविज़न में बड़े पैमाने पर काम किया उन्नीस में उन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला पर आधारित फिल्म नेस्टी बॉयज में अभिनय किया हॉलीवुड की सफलता और सफलता उन्नीस में वन गुड कॉप और हंटर सहित कई कम बजट की फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों के बाद ब्रैट दो हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए उन्होंने ब्लड इन ब्लड आउट में पाको एग्ईलर नामक गिरोह के सदस्य से एलएपीडी अधिकारी बने और डिमोलिशन मैन में वर्ष दो के अधिकारी अल्फ्रेडो गार्सिया की भूमिका निभाई अगले वर्ष उन्होंने द रिवर वाइल्ड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर और जेम्स ए मिचेनर की टेक्सास जैसी लोकप्रिय फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं टेलीविजन पर लौटकर उन्होंने लोकप्रिय श्रृंखला लॉ एंड ऑर्डर में क्रिस नोथ की जगह जासूस रेनाल्डो कर्टिस की भूमिका निभाई जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली ब्रैट एनबीसी शो में पांच सीजन चौदह वर्षों और दो कार्यकालों में पचानवे एपिसोड में दिखाई दिए उनकी भूमिका के लिए 1999 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था उन्नीस और 1999 में लॉ एंड ऑर्डर में इस भूमिका के लिए उन्हें अमेरिकन लेटिनो मीडिया आर्ट्स से ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए एलेमय पुरस्कार प्राप्त हुआ चार 1999 में ब्रैट ने लॉ एंड ऑर्डर छोड़ने का फैसला किया ब्रैट ने कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि अब अपने परिवार के पास वापस जाने का समय आ गया है आप दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी और उन लोगों के समूह से कैसे दूर चले जाते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं यह आसान नहीं है और यह एक बेहद कठिन निर्णय था जो मुझे लेना पड़ा 6 जुलाई 1926 मई 1999 को ब्रैट का अंतिम एपिसोड प्रसारित किया गया 2009 में ब्रैट लॉ एंड ऑर्डर पर अब सेवानिवृत्त कर्टिस के रूप में लौटे जहां वह 11 दिसंबर 2009 को प्रसारित एपिसोड में अपने पूर्व बॉस लेफ्टिनेंट अनीता वान बुरेन एस एपाथामकरसन के साथ फिर से मिले उसी वर्ष उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई बाद का कार्य 2000 में ब्रैट ने द नेक्स्ट बेस्ट थिंग में मैडोना और रूपर्ट एवरेट के साथ सह सा अभिनय किया उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी मिस कांगेनेलिटी में सैंड्रा बुलॉक के साथ अभिनय किया और ट्रैफ़िक में एक छोटी भूमिका निभाई जिसमें बेनिकियो टोरो, माइकल डगलस डॉन चीडल और कैथरीन जेटा जोन्स शामिल थे 2004 में अभिनेता ने हाले बेरी और शेरोन स्टोन के साथ कैटवूमन में सह अभिनय किया ब्रैट अक्सर हिस्पैनिक पात्रों को चित्रित करते हैं खासकर अपने बाद के काम में ब्रैट ने कहा "मैंने लैटिन दिखने वाला स्पी वह वा दाई ओर से तीसरा इतनी बार बजाया है कि मैं गिनती नहीं कर सकता 2001 में उन्होंने बायोपिक फिल्म पिनेरो में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट अभिनेता का अल्मा पुरस्कार मिला उन्होंने प्यूटो रिकान अभिनेता और कवि मिगुएल पिनेरो की भूमिका निभाई वाशिंगटन में द ग्रेट रेड के प्रीमियर पर रेड कार्पेट पर ब्रैट उन्होंने 2009 में अपने भाई पीटर ब्रैट द्वारा निर्देशित फिल्म ला मिशन का निर्माण किया पीटर ब्रैट ने फॉलो मी होम का भी निर्देशन किया जिसे ब्रैट ने निर्मित किया और इसमें अभिनय भी किया 2017 में ब्रैट ने पीटर ब्रैट द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म डोलोरेस के लिए एक परामर्श निर्माता के रूप में काम किया उन्होंने अमेरिकी भारतीय आंदोलन का समर्थन किया फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले 2009 में ब्रैट ने द पीपल स्पीक में प्रदर्शन किया जो एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है जो इतिहासकार हॉवर्ड की ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर आधारित रोज़मर्रा के अमेरिकियों के पत्रों डायरियों और भाषणों के नाटकीय और संगीतमय प्रदर्शन का उपयोग करती है ब्रैट फिल्म दल ऐसर ब्लेस्ड में एक तिलचो इंडियन की भूमिका निभाने के अवसर को लेकर उत्साहित थे जिसे उन्होंने अपनी मूल पृष्ठभूमि के कारण महत्व दिया ब्रैट 2000 के बाद से कई टेलीविजन शो में दिखाई दिए हैं जिनमें स्टार पर जाहिल रिवेरा और द क्लीनर में विलियम बैंक्स की भूमिका शामिल है उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस के 36 एपिसोड में डॉ जेक रीली की भूमिका निभाई वह फ्रेजियर 24, लिव अंदर डे और ई रिंग जैसी उल्लेखनीय श्रृंखला में भी दिखाई दिए ब्रैट एक ए लॉ एंड ऑर्डर मूवी और होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट मेरे कर्टिस के रूप में दिखाई दिए लॉ एंड ऑर्डर में उनकी भूमिका थी उनकी बाद की लोकप्रिय फिल्मों में द वुड्समैन स्निच प्रूकॉलर थम्बसुकर द ग्रेट रेड राइड अलोंग दो और द इन्फिल्ट्रेटर शामिल हैं ब्रैट ने पांच एनिमेटेड फीचर फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें डेस्पिकेबल मी दो में मुख्य प्रतिपक्षी एल माचो शामिल है उन्होंने क्लाउडी विद अचासट बॉल्स में कैमरामैन मैनी की भूमिका निभाई और क्लाउडी विद अचासटबॉल्स दो में अपनी भूमिका दोहराई इसके अलावा 2015 में उन्होंने जस्टिस लीग गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स में सुपरमैन को आवाज दी 2017 की फिल्म कोको में ब्रैट ने मुख्य प्रतिपक्षी अर्नेस्टो ला क्रूज को आवाज दी जो एक मैक्सिकन लोककथा और मुख्य पात्र मिगुएल का आदर्श था ब्रैट नेर रिमेंबर मी गाया जो फिल्म का एक लोकप्रिय गीत है जिसे कई अन्य पात्रों ने गाया है रिमेंबर मी ने 2018 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता कोको ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता क्रिस्टन कैरोल वाइग एक बटा डब्ल्यू बटा जन्म बाईस अगस्त उन्नीस सौ तिहत्तर एक अमेरिकी अभिनेत्री हास्य कलाकार पटकथा लेखिका और निर्माता हैं लॉस एंजल्स कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स के साथ एक कलाकार के रूप में पहली बार आगे बढ़ते हुए वाइग ने 2005 से 2012 तक एनबीसी स्केच कॉमेडी श्रृंखला सैटरडे नाइट लाइव में अपने सात सीजन के कार्यकाल के दौरान देशव्यापी स्टारडम हासिल किया दो कैंडाइगुआ न्यूयॉर्क में जन्मी उनका पालन पोषण लैंकेस्टर पेंसिल्वेनिया और बाद में रोचेस्टर न्यूयॉर्क में हुआ वह लॉस एंजल्स चली गई जहां वह इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स में शामिल हो गई और द जोश मोशो 2003 में डॉ. मेडॉ पैट के रूप में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की सैटरडे नाइट लाइव में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए चार नामांकन प्राप्त हुए वाइड ने नॉकटॉप दो हज़ार और पॉल 2011 जैसी कॉमेडी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई उन्होंने कॉमेडी फिल्म ब्राइड 2011 में सहलेखन और अभिनय किया जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया टाइम ने उन्हें 2012 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया उनकी अन्य फिल्म क्रेडिट में द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी 2013, हज़ार तेरह द स्केलेटन ट्विंस दो हज़ार चौदह द डायरी ऑफ ए टीन गर्ल गर्लर दो हज़ार पंद्रह द मार्टियन दो हज़ार पंद्रह घोस्टबस्टर्स दो हज़ार सोलह डाउनसाइजिंग दो हज़ार सत्रह मदर 2017 और वंडर वुमन उन्नीस सौ चौरासी दो उन्होंने एनिमेटेड फ्रेंचाइज हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन दो शून्य एक शून्य दो शून्य एक नौ और डेस्पिकेबल मी दो शून्य एक शून्य दो शून्य दो, दो चार में भी अपनी आवाज़ दी है कॉमेडी मिनी सीरीज़ द स्पॉयल्स ऑफ बेबी लोन दो में उनकी भूमिका के लिए उन्हें मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था प्रारंभिक जीवन वाइक का जन्म 22 अगस्त 1973 को हुआ था तीन कैंडाइगुआ न्यूयॉर्क में एक जॉन वाइक की बेटी जो पश्चिमी न्यूयॉर्क में एक लेक मरीना चलाते थे और लॉरी नी जॉनसन एक कलाकार चार पांच उसका एक बड़ा भाई एरिक है उनके पिता नॉर्वेजियन और आयरिश वंश के हैं और उनकी मां अंग्रेजी और स्कॉटिश हैं छे वाइग नाम नॉर्वे में सोगन ओग फजॉर्डेन के विक क्षेत्र से आया है सात क्रिस्टन के दादा गुन्नार वाइग बचपन में नॉर्वे से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और रोचेस्टर न्यूयॉर्क में बड़े हुए जहां वह रोचेस्टर रेड विंग बेसबॉल टीम के लिए एक कुशल प्रसारक थे और बाद में डब्ल्यू में एक कार्यकारी बन गए रेडियो डब्ल्यू टीवी और रॉक टीवी आठ नौ वाइक तीन साल की उम्र में अपने परिवार के साथ लैंकेस्टर पेंसिल्वेनिया चली गईं और आठवीं कक्षा तक नाइट्राउर एलिमेंट्री स्कूल और मैनहेम टाउनशिप मिडिल स्कूल में पढ़ाई की दस जब वह तेरह वर्ष की थी तो वह और उसका परिवार रोचेस्टर लॉट आए दस जहां उन्होंने नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए एलेंडेल कोलंबिया स्कूल में पढ़ाई की ग्यारह और ब्राइटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की बारह वाइड ने रानो के कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन जल्द ही रोचेस्टर लॉट आए उसने सामुदायिक कॉलेज में दाखिला लिया और तीन महीने के आउटडोर लिविंग कार्यक्रम में भाग लिया उस समय उनकी प्रदर्शन संबंधी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी तेरह इसके बाद उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री के लिए एरिजोना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जब उसने पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभिनय की कक्षा ली तो शिक्षक ने उसे अभिनय जारी रखने का सुझाव दिया चौदह उन्हें एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक द्वारा सर्जरी के बाद शरीर तैयार करने के लिए काम पर रखा गया था लेकिन काम शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने अभिनय करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स जाने का फैसला किया एक कैरियर एस और प्रारंभिक फिल्म भूमिकाएं दो शून्य 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 दो शून्य एक शून्य वह खुद को सहारा देने के लिए छोटे मोटे काम करते हुए अभिनय करने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं तेरह चौदह उन्होंने एम्पटी स्टेज कॉमेडी थिएटर पंद्रह और द ग्राउंडलिंग्स के साथ प्रदर्शन किया सोलह उन्हें लगा कि अभिनय की तुलना में सुधार बेहतर है और कॉमेडी समूह का हिस्सा बनने से उनके कौशल में सुधार हुआ एक साथ दो शून्य शून्य तीन में वह स्पाइक टीवी के दजोश मोशो में दिखाई दी जो रियलिटी टेलीविजन का एक स्पूफ था जिसमें उन्होंने एक झोलाछाँप विवाह परामर्शदाता डॉ पैट का किरदार निभाया था उन्होंने मैड टीवी के लिए ऑडिशन दिया अठारह द ग्राउंडलिंग्स में रहते हुए वाइक के प्रबंधक ने उन्हें सैटरडे नाइट लाइव के लिए एक ऑडिशन टेप प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने अपने ऑडिशन टेप के एक भाग में टारगेट लेडी की भूमिका निभाई उन्नीस उन्होंने 12 नवंबर 2005 को सीजन 31 के तुरंत बाद एस में डेब्यू किया दो वह एस के बजट में कटौती से बच गई 20 और 2006 में सीजन 32 की शुरुआत में एक पूर्ण कलाकार सदस्य बन गई काली पोशाक पहने एक श्यामला महिला मुस्कुरा रही है 2008 टाइम 100 के एक कार्यक्रम में वाई एसएनएल 2009 से 2012 में उनके काम के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज़ में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए चार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था 21 वाइग ने 2009 के क्रिसमस विशेष एसएनएल प्रेजेंट्स ए वेरी गिली क्रिसमस में सुर्खियां बटोरी जिसमें उनके चरित्र गिली के साथ नए रेखाचित्र और पुराने एसएनएल क्लिप के मुख्य अंश शामिल थे एसएनएल 22 दिसंबर 2008 में उनके विभिन्न अभिनयों के लिए उन्हें एंटरटेनमेंट वीकली की 15 महान प्रस्तुतियों की सूची में और ईडब्ल्यू की हॉलीवुड की 25 सबसे मज इदार महिलाओं की सूची में अप्रैल 2009 शामिल किया गया था तेईस उन्होंने 2011 से 2014 तक श्रृंखला द लूनी ट्यून्स शो में लोला बनी को आवाज़ दी वाइग ने 2006 की क्रिसमस फिल्म अनकम्पैंड माइनर्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और जड़ अपाटो की 2007 की कॉमेडी नॉक्ड अप में एक निष्क्रिय आक्रामक सहायक के रूप में दिखाई दी उन्होंने जेक कास्टन की वॉक हार्ड में भी अभिनय किया जो अपाटो द्वारा निर्मित एक और फिल्म थी 2008 और 2010 के बीच उन्होंने कई स्टूडियो कॉमेडी में सहायक भूमिकाएं निभाईं जिन्हें विभिन्न स्तर की सफलता मिली उन्होंने 2008 की कॉमेडी सेमी प्रो में बियर ट्रेनर गर्ल के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की जिसमें एसएनएल पूर्व पूर्व छात्रा विल फेरेल के साथ फिर से काम किया उन्होंने फॉरगेटिंग सारा मार्शल में एक योग प्रशिक्षक और डेविड कोएब की घोस्ट टाउन में एक स्वयं शामिल सर्जन की भूमिका निभाई वाइग ने ग्रेग मोटोला की 2009 में आने वाली मशहूर ड्रामा एडवेंचर लैंड में सह अभिनय किया एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर्स में एक बीवर मॉम की भूमिका निभाई व्प इट ब्रू बैरीमोर के निर्देशन में पहली फिल्म में एक रोलर डर्बी प्रतियोगी की भूमिका निभाई और माइक जज एक्सट्रैक्ट में एक फ्लेवरिंग अर्क कंपनी के मालिक की पत्नी के रूप में दिखाई दी उन्होंने एंड्रयू जारेकी के 2010 के नाटक ऑल गुड थिंग्स में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई मैकग्रुबर में विलफोर्ट और रयान फिलिप के साथ अभिनय किया और दो बड़े बजट की एनिमेटेड फिल्मों डेस्पिकेबल मी और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को आवाज दी जिसने दो अत्यधिक लाभदायक फिल्में बनाई फिल्म फ्रेंचाइज चौबीस पच्चीस निर्णायक दो शून्य एक एक दो शून्य एक छः दो हज़ार ग्यारह वाइक के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था कॉमेडी ब्राइड्समेड्स जिसे उन्होंने साथी ग्राउंडलिंग्स कलाकार एनी मोमोलो के साथ लिखा था को उसी वसंत में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया जिससे उत्तरी अमेरिका में एक मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई छब्बीस सत्ताईस अपनी शीर्ष भूमिका में उन्होंने एक अकेली महिला की भूमिका निभाई जो अपने सबसे अच्छे दोस्त की सम्माननीय नौकरानी बनने के लिए कहे जाने के बाद कई दुर्भाग्य झेल रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा एक दुबले पतले शरीर वाली गोरी जो ऑलिव ऑयल की तर्ज पर फैली हुई मेघरयान को याद दिलाती है सुश्री वाइग अपनी विशेषताओं को आकर्षक और कभी कभी गुदगुदाती रहती हैं वह एक मज़ाकिया सुंदर महिला है लेकिन वह एक हास्य कलाकार भी है और वह आश्चर्यजनक रूप से आश्वस्त है अच्छा नहीं खेलने के बारे में सैटरडे नाइट लाइव की लंबे समय से सदस्य रही सुश्री वाइग और लॉस एंजेल्स कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स की अनुभवी सुश्री मोमोलो जानती हैं कि महिला फ़िल्म देखने वाले क्या चाहते हैं ईमानदार हंसी के साथ और नहीं केवल महिलाओं के बारे में अट्ठाईस फिल्म में अपने काम के लिए विक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था उनकी आखिरी 2011 की फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंड्स विद किड्स थी जी समय उन्होंने ब्राइडमेड्स की सहयोगी माया रूडोल्फ के साथ एक सेक्स जुनूनी जोड़े की भूमिका निभाई थी इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिन्होंने इसे तीव्र चतुर और मजेदार माना उनतीस और सीमित रिलीज में यह सफल रही तीस २०१० के दशक में वाइग हॉलीवुड में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया जॉली के लिए छोटी सी देखी गई नाटक का बदला जिसका प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ यह उनकी 2012 की पहली रिलीज थी कॉमेडी गर्ल मोस्ट लाइकली में उन्होंने एनेक बेनिंग के सामने एक नाटककार की भूमिका निभाई जो अपने पूर्व साथी को वापस पाने की कोशिश में आत्महत्या का नाटक करती है लेकिन अंततः उसे अपनी जुए की लत वाली माँ की हिरासत में भेज दिया जाता है रॉटेन टोमाटोज ने साइट की सर्वसम्मति के साथ पचासी समीक्षाओं के आधार पर इसे 20% परसेंट रेटिंग दी काफी हद तक बुद्धिहीन और निराशाजनक रूप से सुस्त गर्ल मोस्ट लाइकली ने प्रतिभाशाली क्रिस्टन वाइग को स्कैटरशॉट सिटकॉम क्षेत्र में एक नरम खोखले प्रयास में फंसा दिया 31 सैटरडे नाइट लाइव में कलाकार सदस्य के रूप में उनका अंतिम प्रदर्शन सीजन सैंतीस एपिसोड बाईस था जो 19 मई 2012 को प्रसारित हुआ था 32 और इसकी मेजबानी मिक जैगर ने की थी शो में अपने समय के समापन समारोह में एस के पूर्व छात्र एमी पोहलर क्रिस कट्टन क्रिस पार्नेल विलफोर्ट और राचेल ड्रेज के साथ साथ स्टीव मार्टिन और जॉन हैम भी शामिल थे तब से वह कई बार कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए लौट आई हैं तैंतीस एक श्यामला महिला सफ़ेद पोशाक पहने हुए है जिसमें कुछ फीता विवरण वाली मुस्कुराहट है 2013 में द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिट्टी के सिडनी प्रीमियर में वाई वाइग ने फिर से जून 2013 में रिलीज हुई डेस्पिकेबल मी दो के लिए और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञान फाई रोमांटिक ड्रामा हर 2013 में सेक्सी किटन के चरित्र के लिए अपनी आवाज़ दी उन्होंने बेन स्टिलर और सीन पेन के साथ एडवेंचर ड्रामा द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिट्टी 2013 में मुख्य किरदार की प्रेमिका और सहकर्मी की भूमिका निभाई इसने आलोचकों का ध्रुवीकरण कर दिया और यह एक मध्यम सफलता थी न्यूयॉर्क डेली न्यूज ने स्टिलर और वाइक की मधुर मधुर केमिस्ट्री की प्रशंसा की चौंतीस और रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर ने उन्हें फिल्म में सुंदर, कम महत्वपूर्ण पाया जिसे उन्होंने विशिष्ट रूप से मजाक किया और अप्रत्याशित रूप से कोमल माना 35 उनकी 2013 की अन्य फिल्म कॉमेडी सिक्वल एंकरमैन दो द लीजेंड कंटिन्यूज थी जिसमें उन्होंने लगातार सहयोगी विल फेरेल और स्टीव कैरेल के साथ मिलकर काम किया फेरिल के साथ उन्होंने बाद में छह एपिसोड की लघु श्रृंखला दस पॉयल्स ऑफ बेबी लोन दो और इसके साथ ही दस पॉयल्स बिफोर डाइंग 2015 के साथ साथ टेलीविज़न के लिए बनी फिल्म के डेडी एडॉप्शन 2015 में अभिनय किया जबकि एवी क्लब के जोशुआ अल्स्टन ने ए डेडी एडॉप्शन को भी दिया और टिप्पणी की कि फ़िल्म में सब कुछ दृश्य रूप से सही है और फेरिल और वाइकर काफी करीब हैं जहां उन्हें आज होना चाहिए छत्तीस वाइक को प्राइम टाइम के लिए नामांकित किया गया था 10 पॉयल्स ऑफ बेबी लोन में उनकी भूमिका के लिए लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का एमी पुरस्कार हेडशिप लवशिप 2014। उनका अगला नाटकीय रिलीज प्रोडक्शन सैंतीस एलिस मुनरो की 2001 की लघु कहानी हेडशिप फ्रेंडशिप कोर्टशिप लवशिप, लवशिप मैरिज इसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जिसे एक बुज़ुर्ग आदमी के घर की नौकरानी के रूप में काम शुरू करने के लिए एक नए शहर में जाना पड़ता है जिसे घर संभालने में मदद की ज़रूरत होती है मिश्रित समग्र प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में आलोचकों ने दावा किया कि वाइक का जीवंत प्रदर्शन लगभग प्रवेश की कीमत के लायक है और यह होना ही चाहिए क्योंकि हेडशिप लवश इप के पास इसके लिए और कुछ नहीं है तीन आठ दो शून्य एक चार में उन्होंने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन दो में भी अपनी भूमिका दोहराई और क्रेग जॉनसन की ड्रामा द स्केलेटन ट्विंस में बिल हैडर के साथ अभिनय किया जिसमें अलग हुए जुड़वा बच्चे अपने रिश्ते को सुधारने की संभावना के साथ फिर से जुड़ रहे हैं स्केलेटन ट्विंस एक सफल सफलता थी उनतालीस ग्लोब एंड मेल की टिप्पणी के साथ जॉनसन का साफ सुथरा निर्देशन दो ऐसेनएल दिग्गजों के लिए यह प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा प्रदर्शन है कि कैसे उनका कॉमिक शॉर्ट हैंड थोड़े गहरे रंग का ए रजिस्टर में समान रूप से अच्छा खेलता है चालीस 2015 ग्रैमी अवार्ड्स में गायिका गीतकार सिया के 2014 के एकल चंदेलियर के प्रदर्शन के लिए बिगने बाल नर्तक मैडी जिगलर के साथ नृत्य किया इकतालीस ड्रामेडी वेलकम टू मी को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ मई 2015 में चयनित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था इसमें वाइग ने बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार से पीड़ित एक बहु करोड़पति की भूमिका निभाई जो एक आत्मथात्मक टॉक शो में लिखने और अभिनय करने के लिए अपनी नई संपत्ति का उपयोग करता है रॉटिन टोमाटोज की सर्वसम्मति थी क्रिस्टन वाइग का एक ट्रा सफिक सिंह केंद्रीय प्रदर्शन वेलकम टू मी को एक साथ रखता है और इसके आसमान विस्तार की भरपाई करता है बयालीस अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ ए टीनेज गर्ल नामक एक अन्य ड्रामा में विग ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जिसका प्रेमी उसकी बेटी के साथ यौन संबंध शुरू करता है वेलकम टू मी की तरह फिल्म को सीमित थिएटरों में रिलीज़ किया गया और समीक्षकों द्वारा इसे काफी सराहा गया चार तीन दो शून्य एक पाँच में उन्होंने सफल विज्ञान फाई नाटक द मार्टियन में मैट डेमन के साथ नासा के लिए मीडिया रिलेशन के निदेशक की भूमिका निभाई और एक पारिवारिक व्यवसायी के रूप में अभिनय किया जो एक प्रेमी होने की तुलना में बच्चा पैदा करने में अधिक रुचि रखती है ब्लैक कॉमेडी नेस्टी बेबी चिली के फिल्म निर्माता सेबेस्टियन सिल्वा द्वारा निर्देशित चवालीस कॉमेडी जूलैंडर दो हजार सोलह में विग्ने बेन स्टिलर ओवेन विल्सन और विल फेरेल के साथ एक खलनायक और हाउट काउचर की रानी की भूमिका निभाई अपने किरदार के शानदार लुक के लिए उन्होंने खुलासा किया कि वह हर दिन अपने लुक को लागू करने और हटाने में लगभग आठ घंटे बिताती थीं पैंतालीस जूलैंडर दो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप थी छियालीस बहुत अधिक आलोचना की गई महिला रिबूट घोस्टबस्टर्स दो हजार सोलह में भी में बाइक को एक लेखक के रूप में दिखाया गया है जो एक अन्य खतरनाक खतरे को रोकने के लिए अन्य असाधारण उत्साही लोगों के साथ मिलकर काम करता है सैतालीस और इसका बजट 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था इसने दो सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए चार आठ चार नौ दो शून्य एक में उन्होंने एनिमेटेड कॉमेडी सॉसेज पार्टी में एक हॉट डॉग बन को भी आवाज दी और मास्टरमाइंड्स में डकैती की योजना बनाने वाली एक महिला की भूमिका निभाई बाद की भूमिकाएं 2017 वर्तमान 2017 में वाइग ने डेस्पिकेबल मी तीन के लिए अपनी आवाज़ दी और डेमन के साथ पुनर्मिलन करते हुए फिल्म डाउनसाइजिंग में दिखाई दी पचास वह एप्पल और विदरसपून की कंपनी हेलो सनशाइन की तीस मिनट की एक नई बिना शीर्षक वाली कॉमेडी श्रृंखला में रीज विदरस्पून और लॉरेन न्यूस्टेटर के साथ अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता बनने वाली थीं इक्यावन लेकिन बाद में उन्होंने इस परियोजना से नाम वापस ले लिया बावन उन्होंने 2020 में रिलीज हुई वंडर वुमन उन्नीस में खलनायक चीता की भूमिका निभाई तिरपन और 2021 की अच्छी तरह से समीक्षा की गई कॉमेडी बार्ब और स्टार गो टू विस्टा डेल मार्च में सहलेखन और अभिनय किया एनी के साथ अभिनय और सहलेखन किया मुमोलो लायंस गेट के लिए चौवन और नेटफ्लिक्स फिल्म ए बॉय कॉल्ड क्रिसमस में आंटी कार्लोटा की भूमिका भी निभाई पचपन व्यक्तिगत जीवन वाइग ने 2005 से 2009 तक अभिनेता हेस हारग्रोव से शादी की थी और 2011 से 2013 तक द स्ट्रोक्स ड्रमर फेब्रिजियो मोरेटी को डेट किया था पांच छह दो शून्य एक नौ की शुरुआत में तीन साल की डेटिंग के बाद उन्होंने अभिनेता एवी रोथमैन से सगाई कर ली जनवरी 2020 में वह और रोथमैन सरोगेसी के माध्यम से जुड़वा बच्चों एक लड़का शिलो और एक लड़की लूना के माता पिता बने सत्तावन अट्ठावन जुड़वा बच्चों के नाम बार्ब और स्टार गो टू विस्टा डेल मार्च के क्रेडिट में सामने आए थे उनसठ फरवरी 2021 में वाइग ने पुष्टि की कि उसने और रोथ में दोस्तों इससे मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी की एक से लेंथ तकरीबन 100 मिनट की रहने वाली है और साथ ही साथ लैंग्वेज इसकी बेस इंग्लिश रहने वाली है और इसे हर एक कंट्री के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे रिलीज़ किया जाएगा उसका कारण ये है इसका जो थर्ड पार्ट आया था वो बिलियंस के अंदर कलेक्शन करने वाला था और लाजवाब उसने परफॉर्मेंस की थी जैसे कि बात चौथे पार्ट की भी हाइप बन चुकी है जी दोस्तों इसका ट्रेलर या एक तरह से टीजर आप बोल सकते हो ट्रेलर अपकमिंग आने वाला है तो जैसे ही कोई अपडेट और आती है तो मैं आपको बता दूंगा बाकी मल्टीपल लैंग्वेज में हमें देखने को मिलेगी दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में